और चिकी खरीद से जुड़े 206 करोड़ के घोटाले की धुंध अभी छटी नहीं है कि महाराष्ट्र सरकार की महिला बाल विकास विभाग की मंत्री पंकजा मुंडे एक और विवाद में उलझ गई। पंकजा मुंडे के पास जल संरक्षण मंत्रालय भी है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक पंकजा मुंडे ने परभणी इलाके में पानी रोकने के 12 बांध यानी चेक डैम बनाने के लिए 1,63,00,000 के कॉन्ट्रैक्ट सुनील हाईटेक इंजीनियरिंग कंपनी को देने के लिए आदेश दिए, जबकि सुनील हाईटेक कंपनी के आवेदन को तकनीकी वजहों से पहले ही जांच में रद्द किया जा चुका था। आवेदन में डिजिटल सिग्नेचर भी नहीं थे। तस्वीरें आपके सामने हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सुनील हाईटेक कंपनी का स्वामित्व तो मुंडे परिवार के नजदीकी रत्नाकर गट्टे के पास है। कंपनी की तकनीकी योग्यता को सिंचाई विभाग के विशेषज्ञों के पैनल ने पहले ही खारिज कर दिया था। बताया जाता है कि रत्नाकर गुट्टे ने RSP के टिकट पर विधानसभा चुनाव भी लड़ा था और टिकट पंकजा मुंडे की सिफारिश पर ही मिला था।